मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मदद करेगी सर्वावैक वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की और देश में निर्मित HPV वैक्सीन सर्वावैक उन्हें सौंपी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह वैक्सीन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मदद करेगी। जितेंद्र सिंह ने बताया, सर्वावैक वैक्सीन को पूरी तरह देश में बनाया गया है और यह अपनी तरह की पहली वैक्सीन है। इसके लिए शोध एवं अनुसंधान जैव प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया था। इसको और विकसित करने और बाजार में लाने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं को मिलेगी राहत। उन्होंने कहा कि सर्वावैक उस क्षमता को एक और प्रतीक व प्रमाण है जो बचाव की दवा के क्षेत्र में सामने आया है। इस वैक्सीन के बाजार में उपलब्ध होने से भारत की जो महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें काफी राहत मिल सकती है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह हम सभी के लिए बेहद गौरव की बात है और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के दौरान खुद हस्तक्षेप किया व निजी तौर पर दिलचस्पी लेकर एवं लगातार निगरानी करके हमें प्रोत्साहित किया। बुधवार को लॉन्च किया गया था वैक्सीन। उन्होंने कहा कि यह DNA वैक्सीन का परिणाम है जो पहले से उपलब्ध थी। हमारे पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सिर्फ जैव प्रौद्योगिकी विभाग है। इसके जरिए नेजल वैक्सीन भी विकसित की गई। मालूम हो कि सर्वावैक वैक्सीन को बुधवार को लॉन्च किया गया था।